भरतनाट्यम मालिका ईक्षण इथे 20 सप्टेंबर रोजी श्रीराम लागू रंग अवकाश पुणे इथे आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये भरतनाट्यमच्या माध्यमामधून हवामान संकटाचा गंभीर विषय मांडला गेला आणि पर्यावरणाकडे लोकांचं लक्ष वेधण्यात आलं. या नृत्याचं सादरीकरण इतकं प्रभावी होतं की प्रेक्षक अगदी मंत्रमुग्ध झाले. HCL कॉन्सर्ट आणि पूर्णम फाउंडेशन यांच्या वतीनं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये शास्त्रीय नृत्याद्वारे पर्यावरण जागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ईक्षणा मालिकेचे लेखन आणि दिग्दर्शन दिल्लीमधील प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार तान्या सक्सेना यांनी केलंय. या भरतनाट्यम सादरीकरणामध्ये 3 गंभीर भावनिक नृत्यांद्वारे पृथ्वी आणि मानव यांच्यामधील गुंतागुंतीचे नाते प्रेक्षकांसमोर मांडण्यात आले. पहिल्या नृत्यानं मानवाची उत्क्रांती आणि पर्यावरणावरती त्याचा प्रभाव प्रेक्षकांसमोर सादर करण्यात आला. दुसऱ्या सादरीकरणामध्ये जंगलतोड आणि अनियंत्रित औद्योगिकरण यासारख्या क्रियाकलापांमुळे पर्यावरणाचं होणारं नुकसान अधोरेखित करण्यात आलं आणि तिसऱ्या सादरीकरणामध्ये हवामान संकट आणि लोकांवरती त्याचा भावनिक आणि मानसिक परिणाम दाखवण्यात आला. या सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांना पर्यावरणाचा गांभीर्यानं विचार करण्याची प्रेरणा दिली आहे. नमस्कार, मेरा नाम तान्या सक्सेना है. फिर से बोलू. नमस्कार, मेरा नाम तान्या सक्सेना है. मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ. यहाँ पे पुणे में मैं 28 जुलाई से आई हुई हूँ और पुणे के डांसर्स के साथ ये प्रोडक्शन जो है ईक्षणा, उसी के ऊपर काम चल रहा है. ये ईक्षणा जो है, इस शब्द का मतलब है दृष्टिकोण, यानी कि परसेप्शन. तो जो क्लाइमेट क्राइसिस है, प्रदूषण वगैरह जिसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे अलग अलग नजरिए से इसको देखा जा रहा है, कैसे जांच सकते हैं. इन्वायरमेंट का तो है ही, उसके अलावा इकोनॉमिक परसेप्शन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है. तो ये सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के जरिए हमने एक्सप्लोर किया है. अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक थोड़ा कंटेम्प्रेरी टॉपिक है. मतलब क्लाइमेट क्राइसिस मोस्टली न्यूज में 1950s के बाद उसकी चर्चा हुई थी. तो ऐसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक को भरतनाट्यम में दिखाना, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, थोड़ा मतलब इतना आसान नहीं था. तो इसी के ऊपर हमने कोशिश करी है और वी होप कि आपको अच्छा लगे. नमस्कार, पूनम, मेरा नाम अंशुल अधिकारी है. मैं HCL कॉन्सर्ट को आज यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आया और मैम आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैम, थोड़ा सा HCL के बारे में, अगर HCL कॉन्सर्ट्स के बारे में अगर हम जाने तो HCL कॉन्सर्ट्स पिछले 26 सालों से इंडिया में कॉन्सर्ट्स कराते आ रहे हैं और हमारा जो विजन है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो ये है कि हम क्लासिकल इंडियन आर्ट को, जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो हिंदुस्तान का इंडियन कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, हम उसको संजो सकें, उसको पिरो करके एक साथ रख सकें. और HCL कॉन्सर्ट और हम क्लासिकल म्यूजिक के बारे में ज़्यादा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसे कहते हैं और कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक, उसके बारे में ज़्यादा शोज करते हैं. हम करीब आज की तारीख में हम करीब ऑलमोस्ट 1000 शोज इंडिया में कर, इंडिया और अमेरिका में कर चुके हैं. और अब हम चाहते हैं कि जो और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, नित्य सागर्स जो हैं, उनको हम और दर्शकों तक ले जा पाएं. तो इसके लिए हमारी पहली पहल जो हम कर रहे हैं वो ईक्षणा के साथ कर रहे हैं. ईक्षणा एक फ्यूजन, एक कहानी का एक मिश्रण है, जिसमें एक हमारी आज की जो समस्याएं हैं, ये जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. और कैसे प्लैनेट को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकता है, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं हम ज़्यादातर. हाँ, तो ये भरतनाट्यम के साथ हो गया. हम डांस में हम 3-4 तरीके, जैसे ओडिसी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, इन सारी डांस फॉर्म्स को हम प्रिजर्व करने का आगे प्लान करते हैं. पर म्यूजिक में हम हिंदुस्तानी क्लासिक और कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक को हम ज़्यादा, उसके बारे में हमारा ज़्यादा कल्चर है और ज़्यादा कलेक्शन है, हमने ज़्यादा उस पर काम करना है. हमने करीब
ऑलमोस्ट 3000 आर्टिस्ट के लिए हमने अलग अलग शोज ऑर्गेनाइज कराए हैं और हम करीब 3 लाख लोगों को लाइव एक्सपीरियंस करा चुके हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। अमोल उदमले सह हर्षल कोठावदे सी 24 तास पुणे।